जय हिंद मित्रों, आज मैं आप लोगों को बोन्स प्रोजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बोन्स प्रोजेक्शन साउथ हेमिस्फीयर का है, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का बोन्स प्रोजेक्शन मैं अगले स्लाइड में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखिए, जैसे इसमें जो है कि यहाँ पे है कि आप लोग निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से बोन्स प्रोजेक्शन की रचना कीजिए, जिसमें मापने दिया गया है 125 मिलियन, अंतराल जो है 15 डिग्री का है, मानक अक्षांश 45 डिग्री साउथ है और देशांतर का विस्तार 0 डिग्री 275 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है और 15 डिग्री ईस्ट टू 65 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ देखिए जो है क्या है कि अब यहाँ तक क्वेश्चन हो गई। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पृथ्वी के लघुकृत त्रिज्या को निकालते हैं। तो पृथ्वी की लघुकृत त्रिज्या निकालने के लिए पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या बटा दी गई मापनी का हर होता है। तो यहाँ देखिए, पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या जो है 635 मिलियन सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ जो मापनी दी गई है उसका हर 125 मिलियन है। तो यहाँ 125 मिलियन दिया गया, इसको डिवाइड करने पर जो आता है 5.08 सेंटीमीटर। अब 5.08 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके ही हम अपना प्रोजेक्शन की रचना करेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि 5.08 सेंटीमीटर का एक आधार रेखा लेते हुए ए बी रेखा को, यानी 0.5 सेंटीमीटर के बराबर ए बी रेखा खींची गई। अब इस ए बी रेखा को ए को केंद्र मानते हुए बी बिंदु से एक 90 डिग्री का एंगल बनाया गया, जो ए बी के बढ़े हुए भाग को सी बिंदु पर काट है, यानी कि कोण बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अंतराल जो है 15 डिग्री का है, यानी 15-15 के अंतराल पे हमको अक्षांश और देशांतर रेखा को दिखाना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस पे जो है कि यह 90 डिग्री का, तो यह 15 डिग्री अंतराल का जो कोण है इसको हमने यहाँ खींच लिया बी से बी सी रेखा, यानी कि यहाँ एक केंद्र बिंदु से ही यानी कि 15 डिग्री का एंगल बनाए, जो कि सी ए बी इक्वल टू 15 डिग्री। दूसरा हम क्या करते हैं कि जो मानक अक्षांश दिया गया है उस एंगल को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ए को केंद्र बिंदु मानते हुए बी बिंदु से क्या किए कि 45 डिग्री का एक कोण बना लिए, जो कि है कोण ई ए बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कि इस, तो अब इसके बाद क्या करना है कि इसको अब 15-15 के अंतराल पे हम कोण बना लेते हैं। तो यानी 15, 30, 60, 75 या बना लिए, 45 और 15 तो पहले बनी हुई है। अब यहाँ पे बनाने के बाद क्या करते हैं कि BC रेखा के बराबर एक दूरी को लेके A बिंदु से एक अर्धवृत्त यानी कि इस पे खींच दिए, जो AB रेखा को H पे तथा AC रेखा को I बिंदु पे काटती है। अब यहाँ पे जो है कि जे के एल एम एन एच बिंदु है, तो जे से जे डैश लंब, के से के डैश लंब, एल से एल डैश लंब और एम से एम डैश और एन से एन डैश लंब और एच से ए तो पहले से ही है। अब इसको हम क्या कहते हैं कि अब प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक सरल रेखा खींचते हैं। तो एक सरल रेखा खींच दिए और उसके नीचे यानी कि साउथ में, यानी यहाँ पे पी डैश मान लेते हैं उस लाइन की अंतिम छोर को, और उस लाइन को क्या करते हैं कि पी से ई बिंदु को अपने डिवाइडर में माप लेते हैं। पी ई रेखा को डिवाइडर में मापने के बाद डिवाइडर के नोक जो है पी डैश पे तथा पेंसिल का नोक इस रेखा को जहां काटेगी वहां से क्या करते हैं कि एक अर्धवृत्त खींच देते हैं।
तो जो कि 45 डिग्री का एक अर्धवृत्त यहाँ पे खींच दी गई है। अब यह जो होगा कि इस प्रोजेक्शन में मानक अक्षांश होगा। अब इसके बाद हम बी सी दूरी को डिवाइडर में माप लेते हैं और इस 45 डिग्री से नॉर्थ के तरफ चलते हैं, तो एक बार बढ़ने पे 30, दूसरे बार बढ़ने पे 15 और तीसरे बार 0 डिग्री, तथा 45 डिग्री से जब दक्षिण के तरफ यानी साउथ के तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे 60 और एक बार और नीचे बढ़े तो 75 और दूसरे बार मतलब और आगे बढ़े तो यहाँ साउथ पोल हो जाती है। अब इस प्रकार से क्या करते हैं कि पी डैश से ही अब डिवाइडर को फैलाते हुए 75 वाले पे जाके एक अर्धवृत्त खींचते हैं, फिर डिवाइडर यहाँ डिवाइडर की नोक यही होगी, पेंसिल की नोक 60 पे होगी, एक अर्धवृत्त खींचते हैं, फिर डिवाइडर की नोक यही होगी, 30 पे पेंसिल की नोक होगी और एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं, डिवाइडर की नोक पी डैश पे रखते ही 15 डिग्री का अर्धवृत्त खींच लेते हैं और फिर 0 डिग्री वाले भी अर्धवृत्त को खींच लेते हैं। इस प्रकार देशांतरीय रेखा देशांतर अक्षांश वृत्त जो है कि वह सभी 75, 60, 45, 30, 15 और 0 अक्षांश वृत्त खींच ली गई है। अब इसके बाद हमको अब इस प्रोजेक्शन पे देशांतर रेखा खींचना है। अब इस देशांतर रेखा को खींचने के लिए क्या करते हैं कि एच और ए, तो ए एच दूरी को माप लेते हैं अपने डिवाइडर में और ए एच दूरी के बराबर यानी कि यह जो सेंट्रल मेरिडियन जो देख रहे हैं, इस सेंट्रल यह बीच वाली जो लाइन होगी वह सेंट्रल मेरिडियन होगी और यहाँ से क्या करेंगे कि 5 बार इधर काटेंगे क्योंकि हमको 15 डिग्री ईस्ट से 165 डिग्री ईस्ट जाना है जो कि इंटरवल पे 11 होती है, तो देखते हैं 11 तो एक तो बीच में खींची जा चुकी है तो अब 5 इधर और 5 इधर खींचेंगे, तो यानी कि ए एच यानी ए एच दूरी के बराबर क्या करते हैं एक रेखा यहाँ एक डॉट यहाँ पे दूसरा इसके फिर 3 4 5 उसी प्रकार ए एच दूरी का 1 2 3 4 5 लाइन को खींच देते हैं। फिर क्या करते हैं 15 वाली पे, तो 15 जो है कि एन और एन डैश है तो हमारा 15 यहाँ पे है तो यहाँ पे जो इस सेंट्रल मेरिडियन को यहाँ पे काटी है और यहाँ पे क्या करते हैं एन और एन डैश के बराबर 1 2 3 4 5 खींच लेते हैं। उसी प्रकार एन और एन डैश के बराबर 1 2 3 4 5 रेखा खींच लेते हैं। अब देखिए कि 30 डिग्री के बराबर जो है एम और एम डैश है तो एम और एम डैश दूरी के बराबर यानी एम और एम डैश दूरी के बराबर यानी यहाँ से तो 1 2 3 4 5 खींच लिए और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एम एम डैश के। अब देखिए 45 जो है एल एल डैश है तो 45 के लिए हम क्या करते हैं कि एल और एल डैश तो यानी कि यहाँ से सेंट्रल मेरिडियन काटी यहाँ से क्या करेंगे 1 2 3 4 5 खींच लिए और फिर इधर के तरफ 1 2 3 4 5 वेस्ट की तरफ भी खींच लिए। अब देखिए 45 के बाद 60 है तो 60 जो है के और के डैश है तो के और के डैश दूरी के बराबर यानी के और के डैश दूरी के बराबर यानी सेंट्रल मेरिडियन जहाँ पे काटी है वहां से 5 बार 1 2 3 4 5 खींच लिए और फिर यहाँ 1 2 3 4 5 खींच लिए। अब देखिए 75 है तो 75 जो है जे और जे डैश के बराबर है तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जे और जे डैश के बराबर यानी कि 1 2 3 4 5 यानी सेंट्रल मेरिडियन से खींचे और 5 इधर से 1 2 3 4 5 सेंट्रल मेरिडियन के बराबर खींच लिए। अब देखिए सारा देशांतर रेखा को हम खींच चुके हैं, अब करना क्या है कि प्रथम देशांतर रेखा सेंट्रल मेरिडियन से चले तो यह प्रथम को प्रथम से इस प्रकार मिला देंगे इसी प्रकार दूसरा से दूसरा को देखिए कि यहां दूसरा है तो दूसरा को दूसरा से मिला देंगे, तीसरा को क्या करेंगे तीसरा से मिला देंगे, चौथा को चौथा से मिला देंगे,
और पांचवा को क्या करेंगे, पांचवा से मिला देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। इसी प्रकार से इधर भी, यानी प्रथम को प्रथम से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, चौथा को चौथा से मिला देंगे, पांचवा को पांचवा से मिला देंगे। इस प्रकार अक्षांश और देशांतर रेखा की जाल बन गई। अब सभी के वैल्यू को इस पे लिख देंगे। तो देखिए कि इधर के तरफ जब भी कोई मैप को रखते हैं, इधर दिख रहे हैं कि क्या है कि आपको बेस्ट होगा, और इधर जो हो ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे देखिए इधर बेस्ट और इधर ईस्ट। तो यहाँ देखिए ईस्ट यानी कि 15 डिग्री ईस्ट से जब चले तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 और 165, 165 डिग्री ईस्ट के पास हम आ गए। अब अगला देखिए कि क्या है कि आपको अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ देखिए कि ऊपर के तरफ जो देखते हैं नॉर्थ में, यहाँ 0 डिग्री देशांतर होगा, फिर यहाँ 15, 30, 45, 60, 75 यानी यह 75 डिग्री साउथ होगा। इधर भी लिख देंगे 0, 15, 30, 45, 60, 75 साउथ हो जाएगी। अब इस प्रकार से पूरे के वैल्यू लिख दिए। अब यहाँ देखिए जो बीच से जो काटती है, यानी बीचों बीच जो काटी जो फर्स्ट टाइम, तो इसको लिखते हैं सेंट्रल मेरिडियन होता है, यानी जिसको कहते हैं हिंदी में प्रधान यमोत्तर रेखा, यानी कि सेंट्रल मेरिडियन लिख देंगे। और यह मानक अक्षांश जो है 45 डिग्री, तो इसको स्टैंडर्ड पैरेलल कहते हैं, तो इसको क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड पैरेलल लिख देंगे। अब यह पूरा जो है कि प्रोजेक्शन आपका बनकर तैयार है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, प्रधान यमोत्तर रेखा यानी कि जो देखिए सेंट्रल मेरिडियन पे जो होती है मापनी और आकृति दोनों सही होती है। जैसे जैसे सेंट्रल मेरिडियन से हम ईस्ट और वेस्ट के तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इसकी जो पूरे अंतिम छोर पे होती है, जहाँ पे विकृतियाँ बहुत अधिक आ जाती है, जहाँ मापनी और उसकी आकृति में भी अपनी वास्तविक आकृति से वह बड़ी हो जाती है। अब यह देखिए कि शंकु प्रक्षेप को सम क्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। थैंक यू।